हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, क्या ज़रूरत है इस मोबाइल एप्लीकेशन की हमारी डे टू डे लाइफ में, और कितनी तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस होती है। आज हम मोबाइल की एज में रहते हैं, जहाँ पे हमारी सुबह व्हाट्सएप के मैसेजेस देखकर होती है, या तो हमारा हालचाल क्या है ये हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हमारा फेसबुक स्टेटस अपडेट देखकर ही पता चल जाता है। जब हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्पेशली बनाया जाता है इस तरीके से कि जो एक मोबाइल डिवाइस के अंदर रन किया जाता है। इस तरह के एप्लीकेशन हज़ारों की तादाद में हमें मिलेगी और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मिलेगी। अब इस तरह के एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, तो एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं ओला ऐप्स का। ओला ऐप्स जो है वो बहुत ही कॉमन ऐप्स है, सभी के मोबाइल में होंगी। हम इसके बारे में अवेयर है कि ये जो एक ऐप है वो सिटी राइड के लिए फेमस है, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में चलती है, जिसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस ऐप को जब हम यूज़ करते हैं, तो सिंपली पहले हमारा जो पिकअप लोकेशन होता है वो कोई भी हो सकता है, बेसिकली हमारा करंट लोकेशन, हमारा घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कोई भी जगह जहाँ पर हम करंटली है, जहाँ से हमें जाना है, तो वो लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है कि पिक द कैब, जो हमें जो भी कैब चाहिए, जैसे मिनी है, सीडन है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें राइड नाउ ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम राइड नाउ को बुक करते हैं, तो हमें कंफर्मेशन आ जाता है, ड्राइवर की डिटेल्स, उसका मैसेज नंबर मेल में आ जाता है। जैसे ही कन्फर्मेशन होता है, राइड लेते हैं, राइड पूरा होने पर हम वहाँ पे कर सकते हैं कैश में, कैश नहीं पे करना है तो ओला मनी का ऑप्शन भी हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होता है। और ये सब प्रोसीजर नहीं भी करना है तो हमारे पास बुक नाव के जगह पे हम राइड नाव के जगह पे राइड लेटर करके सिर्फ हम रूट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कि एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि क्या चार्जेस होंगे, कितना किलोमीटर है पर्टिकुलर सोर्स से डेस्टिनेशन का। तो इस तरीके से एक ओला ऐप हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मोबाइल एप्लीकेशन का। अब इस तरह की ऐप्स हम कहाँ से ले सकते हैं, ये जो ऐप्स है जो हमें डे टू डे लाइफ में लगती है, तो ये डिपेंड करता है किस तरह का फ़ोन हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड मार्केट जो गूगल प्ले है वहाँ जाके मिल जाएगा, या आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाके मिल जाएगा, विंडोज़ है तो विंडोज़ के स्टोर में मिल जाएगा। दैट मीन्स कि रिलेवेंट जो हमारा फ़ोन का ओएस है, उसकी रिलेवेंट मार्केट से हमें इस तरह की ऐप्स मिल जाती है। तो ये जो ऐप्स होती है, वे कई अलग अलग तरीके से हमें यूज़फुल होती है। जैसे हमें डे टू डे लाइफ में अलग अलग डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है, यूनिट कन्वर्टर है, कैलकुलेटर है, या कैमरा है, तो हर चीज़ हम अलग अलग डिवाइस से इसका टास्क हम अचीव करते हैं। पर अगर मेरे पास एक मेरा मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर मेरे पास इन सारे अलग अलग डिवाइस की एप्लीकेशन में डाल देती हूँ, जैसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डाल दी है, या फिर कैमरा के लिए कैमरा की एप्लीकेशन अगर मेरे पास है, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा कि इतने सारे डिवाइस मुझे कैरी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ही मोबाइल से ये टास्क मुझे मेरा सारे अचीव हो जाएंगे। अब कितनी तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस बेसिकली होती है, तो फॉर्मली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो दो तरह की एप्लीकेशंस होती है, जिसको हम पहला बोलेंगे नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन, और दूसरा होता है वेब मोबाइल एप्लीकेशन। तीसरा भी एक होता है जिसको हम बोलेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मिली जुली सरकार, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाती है, तो हमें भी जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी टाइप है, उसका एडवांटेज का एक्सट्रैक्ट लेकर हमें नया कंटेंट भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हाइब्रिड कुछ दोनों का कंटेंट, जो एडवांटेज है उसको लेकर हाइब्रिड ऐप भी काफ़ी चलती है। इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, नेटिव क्या होता है और वेब मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होता है। यही चीज़ बाइफरकेशन एक डायग्रामेटिकल पॉइंट से हम देख रहे हैं कि ठीक है, जब हम नेटिव की बात करते हैं, तो नेटिव ऐप जो होता है वो स्पेसिफिक डिवाइस ओरिएंटेड होता है, वेब ऐप्स जो होता है वो डिवाइस ओरिएंटेड नहीं होता है, कॉमन होता है। एंड हाइब्रिड जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी वेब व्यूज़ भी इसमें आ जाएंगे, यूआई नेटिव का भी आ जाएगा, और इस तरीके से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कहा कि एक ओएस ओरिएंटेड स्पेसिफिक होती है, मोबाइल ओरिएंटेड होती है, जो स्पेशली कोई डिवाइस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। वेब मोबाइल एप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी स्पीडी भी होती है। एंड्रॉयड का फ़ोन है तो एंड्रॉयड बेस्ड कैलकुलेटर हमको मिल जाएगा स्पेशली जो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, आईफोन है तो आईफोन के लिए जो स्पेशली कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना है वो हमें मिल जाएगा।
कैलेंडर्स होते हैं, हर एक मोबाइल में अपना एक यूनिक अलग अलग तरह का कैलेंडर होता है, अलग अलग थोड़ा फंक्शनैलिटी होता है, तो वो सारी चीज़ें नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन में कवर होगी। बाइफरकेशन हमें यहाँ पे देखना है कि नेटिव, हाइब्रिड और वेब, जो यहाँ पे ग्रीन में हमें अवेलेबल है, तो दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज, उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है ग्रीन में जो हाईलाइट किए गए फीचर्स। येल्लो जो है दैट मीन्स एवरेज, और रेड जो है दैट इज़ द लोएस्ट थिंग, या जो कम वो सपोर्ट करते हैं, जिसको हम बोलेंगे लिटिल बिट उसके डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। तीनों का कंपैरिजन हम करते हैं कि डिवाइस एक्सेस देखा जाए तो नेटिव, हाइब्रिड फुल एक्सेस करेंगे, वेब जो रहेगा वो पार्शियली यूज़ करेगा क्योंकि वो ब्राउज़र से रन होता है। ऐप स्टोर्स क्योंकि नेटिव और हाइब्रिड के अवेलेबल होते हैं, वेब तो कभी इंस्टॉल ही नहीं होता है फ़ोन में, तो इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी ऐप स्टोर्स। डेवलपमेंट कॉस्ट देखा जाए तो सबसे एक्सपेंसिव जो है दैट इज़ नेटिव, क्योंकि वो मोबाइल को ध्यान में रखते हुए, उसके हार्डवेयर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, बाकी दोनों की रिजनेबल है। अप्रूवल के लिए जब बात करते हैं तो नेटिव जो है उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कंपलसरी है, एंड हाइब्रिड में जो होता है होता है बट इट्स वेरी लेस, यानी उसका ओवरहेड कम होता है, एंड वेब में इस तरह का कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 2009 में डेवलप किया गया था। एंड्रॉयड को ओपन हैंडसेट अलायंस ने डेवलप किया गया था, बाद में इसे गूगल और दूसरी कंपनियों का सपोर्ट मिला। ओपन हैंडसेट अलायंस जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसका बेसिक काम ये होता है कि मार्केट में बेटर सेलफोन्स को लॉन्च करना। एंड्रॉयड ज़्यादातर हम स्मार्टफोन्स के लिए ही यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड सबसे पहले 2007 में इन्वेंट हुआ था, तब से लेकर आज तक ये दुनिया का सबसे पॉपुलर और डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। घर में एक छोटा बच्चा भी है तो वो भी आज एंड्रॉयड को जानता है, चाहे उसका रीज़न एंड्रॉयड की गेम्स ही क्यों ना हो, कैंडी क्रश या एंग्री बर्ड। एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में इन वर्जन्स को देखेंगे। यहाँ पे हमें कोड नेम, जिसके अंदर एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड वर्जन नंबर्स दिए गए हैं, और उनसे रिलेटेड एपीआई लेवल्स हम देख रहे हैं। एपीआई लेवल्स की हम बात करते हैं तो ये कैसी इंटीजर वैल्यू होती है जो फ्रेमवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। हर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की रिलीजिंग डेट भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है कि कब कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ था। एंड्रॉयड के बारे में दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वर्जन्स के रिलेटेड जो हमें जानना है। पहला फैक्ट ये है कि एंड्रॉयड के सारे वर्जन के नाम अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर देखा जाए तो वो है इनके नाम के पीछे, हर एक का जो नाम है वो एक डेजर्ट के फॉर्म में, स्नैक्स कम डेजर्ट हम बोल सकते हैं, स्वीट्स के फॉर्म में दिया गया है। इन्हें नाम ही इतने यमी है, जैसे सी से कपकेक देख लो, डी से डोनट, ई से एक्लेयर, किटकैट है, मार्शमेलो, सभी के सभी डेजर्ट से, स्वीट से रिलेटेड सारे के सारे वर्जन्स के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि एंड्रॉयड ही क्यों चूज़ करना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस हम क्यों करेंगे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले ओपन सोर्स है, जिसकी वजह से हम इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एंड्रॉयड को हम एंड्रॉयड मार्केट के अलावा कहीं अलग अलग जगह से भी ले सकता है, सो दैट इज़ अगेन एन एडवांटेज। अगर हम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को मार्केट में डालना इजी होता है, जिसके लिए हमें सिंपली एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक बार हम रजिस्टर कर देते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो उसके थ्रू हम कितनी भी एप्लीकेशन मार्केट में डाल सकते हैं, तो ये भी एक तरह की उसकी जो एक हम एडवांटेज बोल सकते हैं। और आज की तारीख में देखा जाए तो 80% मोबाइल जो मार्केट में चल रहा है वो एंड्रॉयड के है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट मार्केट शेयर एंड्रॉयड का आज चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारे जो रीजंस है जिसके वजह से हम एंड्रॉयड को आज चूज करते हैं एज ए हमारी पहली चॉइस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। एंड्रॉयड एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके पास 300 से भी ज्यादा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कैरियर पार्टनर्स है। हर एक दिन 1 मिलियन से भी ज्यादा नए एंड्रॉयड डिवाइस एक्टिवेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। एंड्रॉयड हमें स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एंड्रॉयड हमें वो सब कुछ देता है जो हमें बेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए लगता है।
एंड्रॉयड हमें एक सिंगल एप्लीकेशन मॉडल प्रोवाइड करता है जिससे हम हमारी एप्लीकेशंस को मिलियंस ऑफ यूजर्स के डिवाइसेस, चाहे वो फोन हो या टैबलेट, उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है एंड्रॉयड की, तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए? तो सबसे बेसिक जो चीज़ है जिस पे पूरा एंड्रॉयड का कोडिंग बेस्ड होता है वो है जावा। एंड्रॉयड का कोडिंग जो होता है वो जावा बेस्ड होता है, इसलिए हमें जावा का नॉलेज होना ज़रूरी है एंड्रॉयड को सीखने के लिए। अब जावा के अंदर कई तरह के कंसेप्ट है जिसको हमें एंड्रॉयड में यूज़ करना पड़ता है, तो उन कंसेप्ट को थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या जावा के कंसेप्ट हमें एंड्रॉयड के अंदर यूजफुल आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज मुझे एक घर बनाना है, तो घर जो हो गया उसे बनाने के लिए मुझे उसका एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिससे मुझे आइडिया आएंगी कि मेरा जो घर है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे घर जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया और घर का जो ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं तो वो एक क्लास हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे एक और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्लास होता है उसमें कई सारे अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का अपना नाम, फ़ोन नंबर, एज, घर का एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह की रिलेवेंट डिटेल्स होती है। तो अगर हमें इस तरह का कंटेंट बनाना है, रिट्रीव करना है, तो हम एक स्टूडेंट का क्लास बना सकता है और हर एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि अलग अलग स्टूडेंट का नाम दिया गया, एनी है, एमिली है, कैथी है, और किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मुझे डिटेल्स चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास से उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स हम ले सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे जो देखना चाहते हैं वो है इनहेरिटेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका हम यूज करेंगे एंड्रॉयड के कोडिंग के लिए। अब इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। इनहेरिटेंस का बेसिक फंडा ये है कि जहाँ पे एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज, मेथड्स और उसके वेरिएबल्स है उसको एक्वायर करना चाहते हो दूसरी क्लास के अंदर, तो ये बेसिक फंडा इनहेरिटेंस का होता है। अब यहाँ पे हम अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लास ए जो है वो एक पेरेंट क्लास है और क्लास बी जो है वो एक चाइल्ड क्लास है। अगर हमने पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड्स या वेरिएबल्स कुछ भी हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं तो वो सारे अगर बी क्लास को यूज़ करना है तो वो सिंपली क्लास बी एक्सटेंड्स ए। इसका मतलब क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास बन गया क्लास ए के लिए और वो अब सारी ए की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। वैसे ही दूसरा तरह का इनहेरिटेंस हमारे पास जो अवेलेबल है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर यहाँ पे हमें दिखेंगे क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है क्लास ए के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम क्लास बी जो है वो पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास सी के लिए जो उसका चाइल्ड है। इसका मतलब क्लास ए विल बी द पेरेंट क्लास, बी को हम वहाँ पे कह सकते हैं इंटर, और क्लास सी जो है वो चाइल्ड क्लास है जो बी की भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता है, ए की भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता है। तीसरा जो इनहेरिटेंस है वो है हायरार्किकल, जहाँ पे क्लास ए जो है वो पेरेंट क्लास है, क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, क्लास सी भी है वो भी चाइल्ड क्लास है। यानी बी ए की प्रॉपर्टीज यूज कर सकता है, सी भी ए की प्रॉपर्टीज यूज कर सकता है, बट बी और सी का कोई कनेक्शन होना जरूरी नहीं है या बी और सी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकते। XML क्या है? XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML को W3C ने डेवलप किया है। XML डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज दोनों ही करती है। XML का जो फॉर्मेट है वो ह्यूमन रीडेबल भी है और कंप्यूटर रीडेबल भी है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसका जो भी प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब ये W3C क्या है? W3C का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है WWW के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। सारे जो वेब डेवलपर्स हैं वो इसका यूज करते हैं ताकि वो जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए टेक्निकल वे में, वो डिफाइन करने के लिए W3C का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे HTML और XML का कंपेरिजन। HTML
जो लैंग्वेज है इसका यूज़ हम करते हैं वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए और उन्हें डिस्प्ले करने के लिए, जबकि XML के अंदर हम वेब पेजेस नहीं डिस्प्ले कर सकते। HTML के जो टैग्स है वो रेडीली अवेलेबल होते हैं, इसका मतलब हम इन्हें बदल नहीं सकते। हमें कोई टैग का यूज़ करना है तो हम स्पेसिफिकली जो डिफाइंड टैग है HTML का उसी का यूज़ हमें करना पड़ेगा, जबकि XML के साथ ऐसा नहीं होता। XML का जो टैग्स है वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, इसीलिए हम XML को ह्यूमन रीडेबल एंड कंप्यूटर रीडेबल दोनों फॉर्म में उसे यूज़ कर सकते हैं। HTML हम कंपाइल नहीं कर सकते, जबकि XML हम कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे किसी लैंग्वेज के साथ जैसे जावा है तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। HTML के जो टैग्स है क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, इसीलिए वहाँ पे केस सेंसिटिविटी कोई इशू नहीं है। हम अगर कैपिटल में लिखते हैं कोई टैग या स्मॉल केस में लिखते हैं तो वो सेम कंसीडर किया जाता है, जबकि XML का जो टैग है वो यूज़र डिफाइंड है, इसीलिए उसका जो केस है वो मैटर करता है। इसीलिए वहाँ पे जिस केस में हमने टैग को डिफाइन किया है, ओपन किया है, उसी केस में हमें उसे क्लोज करना होगा। एंड्रॉयड के अंदर XML क्यों हम यूज़ करते हैं ये हमें देखना है। एंड्रॉयड का जब हम कोडिंग करेंगे तो जहाँ पे डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, यानी एप्लीकेशन का हम UI डिज़ाइन करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करते हैं, उस वक्त डिज़ाइनिंग का कोड हम XML के फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसके अंदर हम AAPT टूल का यूज़ करते हैं। ये जो टूल है वो है एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, जो अलाव करता है हमें व्यू, क्रिएट और अपडेट करने के लिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर। बेसिकली ये जो AAPT टूल है वो रिसोर्सेज को कंपाइल करती है बाइनरी फॉर्मेट में। इसका मतलब जब मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो XML का जो टेक्स्ट है वो नहीं, बल्कि मेरा जो बाइनरी फॉर्मेट है वो डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है और इसके कौन कौन से इसेंशियल लेयर्स हैं? सबसे पहले आर्किटेक्चर यानी प्रोसेस और प्रोडक्ट, इन दोनों का प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्टिंग, जिससे हमें एक फिजिकल स्ट्रक्चर अचीव हो सकता है। सादी भाषा में कहूँ तो सपोज मुझे एक घर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने रूम्स होंगे, किचन का होगा, ड्राइंग रूम का होगा, स्टोर रूम, बालकनी, इन सब की प्लेसेस डिसाइड करनी पड़ेगी और इसका डिजाइनिंग भी करना पड़ेगा। वैसे जब हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इसके अंदर 5 इम्पोर्टेंट लेयर्स होती है जिन्हें हमें थोड़ा सा डिटेल्स में देखना है। ये जो एंड्रॉयड के 5 लेयर्स है ये हम यहाँ पे हमें एक डायग्रामेटिक व्यू से हम इसे देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहला जो है वो एप्लीकेशन है, फ्रेमवर्क है, नेटिव लाइब्रेरीज, रन टाइम एनवायरनमेंट, लिनक्स कर्नल। ये जो है दैट इज़ हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो लिनक्स कर्नल का ही पार्ट हम बोल सकते हैं। इन सबको हम डिटेल्स में देखेंगे। अब सबसे पहले जो यहाँ पे हम बोलेंगे लिनक्स कर्नल, जिसको हम बोलेंगे बेस है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का। अब ये जो लिनक्स कर्नल है वो क्या काम करता है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है ये हमें देखना है। कर्नल जो होता है उसका बेसिक काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संतुलन रखना। थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में कहे तो जब हमारे फ़ोन में कोई एप्लीकेशन होती है, हम उस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो CPU ऑक्यूपाई करती है थ्रेड के रूप में, और वो हमारे डिवाइस की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, डिवाइस के रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो सारा काम चल रहा है, एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो यहाँ पे कर्नल का काम होता है CPU मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। अब कर्नल की जब हम बात कर रहे हैं तो कर्नल क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है ये हमें देखना है। कर्नल कई तरह के फंक्शंस करता है, जैसे ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम करता है मोबाइल के साथ, मोबाइल के हार्डवेयर के साथ। कर्नल से हमें सारे हार्डवेयर ड्राइवर्स मिलेंगे, जैसे हमारा कैमरा का ड्राइवर है, कीपैड है, डिस्प्ले,
ऑडियो, यूएसबी, इन सभी तरह के ड्राइवर्स हमें कर्नल के थ्रू मिलेंगे। इसके अलावा पावर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी कर्नल से हम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद का वो है लाइब्रेरीज। एंड्रॉइड के पास वाइड लाइब्रेरी है जिसमें अलग अलग तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल है। SQLite है जिससे हम डेटाबेस का फंक्शन अचीव कर सकते हैं। WebKit है जो ब्राउज़र का इंजन, जिसे हम बोल सकते हैं HTML कंटेंट दिखाने के लिए। OpenGL का यूज़ करके हम 2D या 3D ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। साउंड, ऑडियो, वीडियो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास मीडिया फ्रेमवर्क है। इस तरीके से एंड्रॉयड के पास एक ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सपोज़ मुझे एक म्यूज़िकल एप्लीकेशन बनाना है जिसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और रेडियो भी मुझे प्ले करना है, तो इसके लिए मैं मीडिया फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का यूज़ करूँगी जिसमें मुझे मीडिया से रिलेटेड सारी मेथड्स डायरेक्टली मिल जाएंगी। और दूसरा, सपोज़ मुझे कोई गेम क्रिएट करना है तो गेम के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना पड़ेगा, गेम का जो स्कोर है वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके अंदर मैं जो स्टोरेज पर्पज़ के लिए SQLite का यूज़ करूँगी जिसमें मैं एक डेटाबेस क्रिएट करके पर्टिकुलरली उस गेम का स्कोर हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एंड्रॉयड रन टाइम। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो हमें DVM प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलेंगे डेल्विक वर्चुअल मशीन। ये जो डेल्विक वर्चुअल मशीन होता है वो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे हमें .dex फाइल बिल्ड करते हैं और ये जो होते हैं यानी काफ़ी कम मेमोरी लगती है। अब एग्जैक्टली ये DVM किस तरीके से काम करता है ये हमें देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी जावा फाइल है जिसको हम बोलेंगे .class फाइल, ये dx टूल के थ्रू .dex में कन्वर्ट होंगी जिसको हम बोलेंगे हमारी डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास AAPT टूल जो है, ये टूल हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, जो एक बाइनरी रिसोर्स में कंपाइल करता है हमारे कंटेंट को और जिससे हमें एक APK फाइल यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे DVM का वर्किंग जो हमने देखा, पर गूगल पर्टिकुलरली लॉलीपॉप वर्जन जो है एंड्रॉयड का, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ART, जिसे बोला जाता है एंड्रॉयड रन टाइम एनवायरनमेंट। ये ART जो है वो एक नया तरह का वर्चुअल मशीन है। लॉलीपॉप में DVM को ART से रिप्लेस किया है। ART में DVM जो है, DVM से कई ज़्यादा फायदे हमें मिलेंगे, जैसे इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपाइलेशन बहुत फास्ट होता है, गार्बेज कलेक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक कंसेप्ट जो है वो है AOT, जिसे हम बोलेंगे अहेड ऑफ टाइम। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा के पूरा हमारा जो एप्लीकेशन है उसको एंटायर पूरे के पूरे को एक साथ कंपाइल करेगा डायरेक्टली हमारी जो मशीन है उसके अंदर। ये उसका सबसे बड़ा फायदा है जिससे इसकी जो स्पीड है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेयर है हमारे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का वो है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। कोई भी जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका फ्रेमवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस तरीके का होगा, उसका क्या पर्पज़ है और उस पर्पज़ को हम किस तरीके से अचीव करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड होती है। हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो डायरेक्टली इंटररिएक्ट होता है। ये प्रोग्राम हमारे फ़ोन का बेसिक फंक्शन मैनेज करता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि कॉल करने के लिए हमें टेलीफोनी मैनेजर का यूज़ करना पड़ेगा, या अगर मुझे कोई लोकेशन का GPS एड्रेस का यूज़ करना है तो मैं लोकेशन मैनेजर का यूज़ करूँगी। यानी हमारी किस तरह की एप्लीकेशन है और ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे, ये इस लेयर में हम डिसाइड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अब जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज़ मुझे एक कॉल एप्लीकेशन बनाना है, तो इस कॉल एप्लीकेशन को बनाने के लिए मुझे एक्टिविटी मैनेजर का भी यूज़ करना पड़ेगा, टेलीफोनी मैनेजर का भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी जहाँ पे मेरा इंटरफेस डिज़ाइनिंग है तो वो मैं एक्टिविटी मैनेजर के थ्रू मेरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल का यूज़ करके मैं उसको डिज़ाइन कर सकती हूँ। फिर टेलीफोनी मैनेजर का यूज़ करके मेरी एप्लीकेशन को जो
एग्जैक्टली कॉल फंक्शनलिटी है वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ. सो इस तरीके से फ्रेमवर्क हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अब सबसे टॉप लेयर जिसके आने से हमारा जो एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट होता है, तो वो है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम डायरेक्टली इंटर रिएक्ट करते हैं. यूज़र इसी से पर्टिकुलरली फ़ोन को पहचानता है. इसमें हर तरह के हमें एप्लीकेशंस मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं कुछ एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड हमें डायरेक्टली फ़ोन आता है तो उसके साथ मिलता है. कुछ हम हमारे रिलेवेंट एप्लीकेशन मार्केट से स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं, जैसे फ़ोन एप्लीकेशन है या कॉन्टैक्ट है या कैलेंडर है. काफ़ी तरह की हमने देखा है कि वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल होती है जिससे यूज़र फ़ोन को पहचानता है, कॉमन यूज़र जिससे फ़ोन को पहचानता है. ये वो वाला पर्टिकुलर पार्ट है. एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप कैसे किया जाता है, यानी अगर मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो क्या क्या सॉफ्टवेयर मुझे लगेंगे इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ये हमें देखना है. सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिससे हम हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे. एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हम विंडोज़ में डेवलप कर सकते हैं, मैक में भी डेवलप कर सकते हैं और लिनक्स में भी डेवलप कर सकते हैं. तीनों में एंड्रॉयड का पूरा एनवायरनमेंट अवेलेबल है डेवलप करने के लिए. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर किस तरीके से हम एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट सेटअप कर सकेंगे. सबसे पहले हमें सिस्टम रिक्वायरमेंट जान लेना होगा कि अगर मैं एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर्स को मेरे सिस्टम में डाउनलोड करना चाहती हूँ तो मेरा सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, कितना मेमोरी, कितना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखना है. मिनिमम यहाँ पे हम देखेंगे, मैक्सिमम तो दैट्स वेरी गुड जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कम से कम हमारे पास कितना अवेलेबल होना चाहिए हमें देखना है. सबसे पहले तो विंडोज़ के लिए सीख रहे हो तो विंडोज़ 7, 8, 10, चाहे आपके पास 32-bit हो या 64-bit हो, दोनों चलेगा. जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइल्स डाउनलोड करनी होगी. रैम का रिक्वायरमेंट देखेंगे तो मिनिमम 2GB हमें लगता है. एंड्रॉयड की रिसोर्स जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए उसको रैम का भी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हायर होता है. हमारी हार्ड डिस्क में कम से कम 2GB स्पेस अवेलेबल होगी, क्योंकि एंड्रॉयड का जो फाइल है वो इटसेल्फ इट्स ए ह्यूज लाइब्रेरी वगैरह, तो इसके लिए हमको मिनिमम 2GB का हार्ड डिस्क स्पेस लगेगा. 4GB है तो और भी अच्छा है, क्योंकि IDE को थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद जो है SDK को भी लगेगा, तो दैट्स वाई 4GB अगर है तो बहुत अच्छा है. स्क्रीन रिजोल्यूशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग JDK 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, जनरली अभी हम 8 का यूज़ करते हैं. अब ये एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे वो हम देखेंगे. जैसे कहा सबसे मेन JDK 5 और लेटर चलता है, अभी हमने 8 के बारे में देखा, यानी JDK 5 और हायर वर्जन कोई भी चलेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करने के लिए. GRE रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो 6, दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड्रॉयड का SDK. अब चॉइस ऑफ IDE दैट डिपेंड्स अपॉन अस, हमें जो यूज़ करना है. अभी ट्रेडिशनली एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज चलता है बिकॉज इट इज़ एन इनबिल्ट IDE फॉर एंड्रॉयड, सो हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं. अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ इक्लिप्स IDE. जावा डेवलपर्स को ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं. इक्लिप्स के काफ़ी सारे वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल है. क्लासिक वर्जन इज़ अवेलेबल फॉर जावा डेवलपर, मार्स वर्जन अवेलेबल इज़, लूना वर्जन इज़ अवेलेबल. सो दैट डिपेंड्स, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो अगर इक्लिप्स यूज़ करना चाहते हो तो. और अगर इक्लिप्स यूज़ करते हो तो उसके लिए हमें ADT प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स जिसे हम बोलते हैं. इक्लिप्स के लिए हमें स्पेशली डाउनलोड करना पड़ेगा इक्लिप्स के साथ अगर हम यूज़ करते हैं. अगर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं तो नो नीड ऑफ इक्लिप्स IDE, वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम. अब हमें देखना है कि हमें JDK कैसे इंस्टॉल करना है. यहाँ पर हमारे पास एक लिंक है जिसे हम क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से हमारे JDK को पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो मिलेंगी उनको फॉलो करके इंस्टॉल कर सकेंगे. हमने जावा की जो लिंक हमने दी थी वहाँ से हमने 64-bit विंडोज़ के लिए JDK की जो फाइल है वो हमने डाउनलोड करके रखी है, उस पर हम क्लिक करेंगे. जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक इंस्टॉलेशन विजार्ड मिलेगा जिसको फॉलो करके हमें JDK को इंस्टॉल करना है.
नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जहाँ पे डेवलपमेंट टूल सिलेक्टेड है, JDK सेटअप हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब हमारा JDK का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। क्लोज, यहाँ पे हमारा JDK का इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। अब हमें देखना है कि JREM कैसे करेंगे इंस्टॉल JDK के बाद। सेम वैसे ही हमने डाउनलोड्स के अंदर JRE की 64 बिट की डाउनलोड करके रखी है इंस्टॉलर, क्लिक करेंगे उस पर जिससे उसका इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट होगा। इंस्टॉल, अब हमें यहाँ पे इसके स्टेटस प्रोग्रेस के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो हमारा जो है वो रजिस्टर होगा, इंस्टॉल होगा। बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स करेगा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिससे हम हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकेंगे। क्लोज करेंगे, हमारा JRE जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हम एक एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे LearnOne, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल के जो अलग अलग मेथड्स है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। इसके लिए सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नेम देना है जिसका नाम हम देंगे LearnOne। यहाँ पे हम उसका जो पैकेज है वो पैकेज स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया com.learnone। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मिनिमम लेवल जो SDK का स्पेसिफाई करना होता है, सारे ऑप्शंस एज इट इज अभी हम रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी रखेंगे, लेआउट का नेम सेम हम रहने देंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, हमारा विंडो इस तरीके से ओपन होगा जिसके अंदर हम हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं LearnOne। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल का कोड डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब हम रन करेंगे। हमारा AVD हमने सिलेक्ट किया, यानी हमारा अब एक वर्चुअल डिवाइस एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक्टिविटी फ्लो किस तरीके से एक्चुअली परफॉर्म होता है। हमारा डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, देखिए हमारा एप्लीकेशन जो रन होगा जिसके साथ हमें फ्लो देखना है एक्टिविटी कैसे काम करता है, जहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जनरेट होगा। जैसे ही क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, यानी हमारा जो मेन विंडो आ रहा है हमारा एप्लीकेशन का, तुरंत ही तीन हमारे जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल के इवेंट है फायर हो गए। अब देखिए यहाँ पर ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो वहाँ पे मेरा दो पर्टिकुलर हो गया है। फिर से मैं क्लिक करती हूँ तो ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, बैक करोगी तो तुरंत पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। इस तरीके से हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट हो।
हम हमारी फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं आज, उसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करने वाले हैं। और जो हमारा पर्टिकुलरली नया प्रोजेक्ट होगा एंड्रॉयड का, उसको हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड जो है उसको उसकी स्टेप्स फॉलो करके हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन आज क्रिएट करेंगे। अब जब हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें इस विजार्ड में कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है, जैसे उसका मिनिमम SDK क्या होगा, या किस तरह की एक्टिविटी हमें सिलेक्ट करनी है, या कौन से SDK के थ्रू हम इसे रन करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम डायरेक्टली विजार्ड में सेटअप करेंगे, क्या नाम देंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन को रन करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब जब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसके लिए हमें एक AVD का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। इसका यूज़ बेसिकली हम करेंगे हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, या हम बोलेंगे रन करके देखने के लिए कि हम जो पर्टिकुलर कोडिंग करने जा रहे हैं तो ये जो कोडिंग है वो किस तरीके से विजुअल इफेक्ट देगा, स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वहाँ पर हमें एक AVD क्रिएट करना पड़ेगा। AVD के अंदर हमें उसका मॉडल स्पेसिफाई करना होता है, पर्टिकुलर कौन से ब्रांड होगा, उसका क्या मॉडल होगा। तो वो AVD के ऑप्शंस हमें वहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो सेट करके एक AVD भी हम आज क्रिएट करना सीखेंगे। अब हम एंड्रॉयड का सबसे पहला एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो का जो आइकन है उसे क्लिक करके हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो लॉन्च होगा। ये हमें सबसे पहला जो विंडो है वो होगा वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस होंगे, जिसमें से अभी हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट न्यू प्रोग्राम ऑप्शन। हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट विंडो एक हमारे सामने ओपन होता है, जिसमें हमें सबसे पहले एप्लीकेशन का जो नाम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। Learn1 हमने एप्लीकेशन का नाम दिया है, डोमेन वो पूछेगा, सो हमने यहाँ पे लिखा है com.example.learn1, हम इसे एज इट इज लेंगे। यहाँ पे हमें लोकेशन पूछता है कहाँ हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना चाहते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये लोकेशन दे रहा है, हम चाहे तो इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है वो है फ़ोन एंड टैबलेट। हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं वो फ़ोन्स के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसका मिनिमम वर्जन यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे 4.1 हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो हमें किस तरह की एक्टिविटी क्रिएट करनी है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी जो है उसे सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी का नाम और लेआउट का नाम, ये दोनों चीज़ें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, सो हम यही नेम यूज़ करेंगे, एक्टिविटी का नाम मेन एक्टिविटी एंड लेआउट का जो नाम है वो है activity_main। अब हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, यानी हमारा जो फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही फिनिश पे हम क्लिक करते हैं, हमारा इस तरह का इंटरफेस एंड्रॉयड स्टूडियो का विंडो ओपन होता है, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम स्पेसिफाई किया था यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। जो डिफ़ॉल्ट कोड है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमें मिलता है जब एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं। अब हम ये जो एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है माय एप्लीकेशन, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए
हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है यहाँ पे हमें उसके पास अलग अलग मेन्यूज मिलते हैं। इन मेन्यूज में से हमें रन मेन्यू को सिलेक्ट करना होता है। रन मेन्यू हम सिलेक्ट करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने पे हमें एक विंडो दिखेगा। यहाँ पे हमारा एमुलेटर विंडो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है माय एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट व्यू में मैसेज एडिट किया था वेलकम टू लर्न वन, जहाँ पे हमने कलर और कुछ फॉर्मेटिंग हमने प्रोवाइड किया था, तो इस तरीके से वो डिस्प्ले होगा। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अभी हमने एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन का यूज़ किया है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें हमने थोड़ा सा माइनर एडिटिंग किया है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से जो हमारा एप्लीकेशन बना है उसके पार्ट्स क्या क्या है, ये हमें देखना है। अब सबसे पहले जो हमारा जो एप्लीकेशन है इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैनफीस्ट, जावा, रिसोर्स और ग्रेडल स्क्रिप्ट, इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो हमें पहले सीखना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से कोड डिज़ाइन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मैनफीस्ट। मैनफीस्ट को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो एंड्रॉयड मैनफीस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल बनती है उसे हम देखेंगे। जो एंड्रॉयड मैनफीस्ट फाइल होती है उसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रूट ऑफ आवर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी हम कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं उन्हें यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे पर्टिकुलरली जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो OS उसे हमारे एप्लीकेशन का पार्ट ट्रीट नहीं करेगा। यहाँ डिक्लेयर करना कंपलसरी है। हम बोल सकते हैं कि ये जो मैनिफेस्ट फाइल होती है वो एक इंटरफेस का काम करती है हमारी एप्लीकेशन और हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में। अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहला यहाँ पर जब हम मैनिफेस्ट क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट जो हमारी डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होती है जब हम एप्लीकेशन करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन टैग हमें दिख रहा है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी हमारा जो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हम बोलते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, तो उसमें एप्लीकेशन जो टैग है उसके अंदर एप्लीकेशन की डिटेल्स हमें मिलेंगी जो डिफ़ॉल्ट जनरेट होती है, जैसे आइकॉन, आईसी लॉन्चर यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ पर जो हमारा जो जावा का यहाँ पर रिसोर्स होता है जो हमारा प्रोजेक्ट का, वहाँ पर हमें यहाँ पर उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस दिखेंगी। ये जो इमेज है वो एंड्रॉयड लोगो की इमेज होंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जनरेट होंगी जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है तब। लेबल यानी हमारा एप्लीकेशन का जो भी टाइटल है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। थीम्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो थीम है वो अप्लाई की जा रही है। ये सारी अभी जो एट्रीब्यूट्स हम देख रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट सेट है, यहाँ पर हमने कुछ भी एडिट नहीं किया। दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड फाइल राइट नाउ जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी टैग है जिसके अंदर हम देख सकते हैं एक इंटेंट हमें दिख रहा है, हमारा एक्टिविटी जो है वहाँ पर एक्टिविटी का नाम आ गया डॉट मेन एक्टिविटी, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखा था वही नाम है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं इंटेंट, हम देख चुके हैं मैसेज पासिंग के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं, डिटेल में भी हम देखेंगे इसे। तो ये जो इंटेंट है वो इंटेंट की दो चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है, पहला जो है वो है एक्शन और दूसरा जो है वो है कैटेगरी। एक्शन जो है यहाँ पर मेन दिया है, इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे इसे एंट्री पॉइंट हमारे एप्लीकेशन का, या जब हमारी एप्लीकेशन हम रन करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो स्क्रीन है वो दिखेगा, इसीलिए हम उसे एज ए मेन वहाँ पर दे रहे हैं। सेकेंडली जो है कैटेगरी, अब ये जो कैटेगरी है हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है लॉन्चर, वो इसलिए कि हम जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो उसे आइकॉन क्लिक करने पर हम लॉन्च कर सके। जैसे हम यूजुअली कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन करते हैं उसका जो आइकॉन होगा, सपोज कोई गेम है, गेम का आइकन आप क्लिक करोगे
तो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे उसे कैटेगरी दे रहे हैं लॉन्चर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यहाँ पर जावा दिखेगा, जहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले हमारा जो माई एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है। जैसे उसे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा जो मेन एक्टिविटी है देखेंगे हम, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मेन एक्टिविटी क्रिएट होता है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑन क्रिएट मेथड क्रिएट हो रही है, जिसके अंदर पेरेंट क्लास को हम पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ करके जो एंड्रॉयड का एक्टिविटी क्लास है उसको हम प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पेरेंट एक्टिविटी क्लास का यहाँ पे हमने सुपर डॉट ऑन क्रिएट जो कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ करके हम कॉल कर रहे हैं ऑन क्रिएट मेथड। और यहाँ पर हमने एक व्यू सिलेक्ट किया है मेन एक्टिविटी आर डॉट लेआउट डॉट मेन। हमारा जो लेआउट फाइल है यहाँ पे हम हमारा एक्टिविटी किस तरीके का दिखेगा, उसका व्यू कैसा होगा वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो यहाँ पे हम उसका पाथ स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये जो लेआउट है वो कैसा होगा यहाँ पे हम देखेंगे। हमारा जो रिसोर्स है, अब रिसोर्स के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हमने यहाँ पे मैप का देखा जहाँ पे हमने अलग अलग तरह के आइकन्स देखे, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो लेआउट है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे वी कैन सी दिस लेआउट जिसके अंदर हमारी फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जिसके अंदर हम हमारा जो एप्लीकेशन का यूआई है वो यूआई किस तरह का होगा वो स्पेसिफाई करेंगे। अभी हमारे पास एक ही एक्टिविटी है इसलिए हमने एक ही एक्टिविटी का एक्सएमएल फाइल हमारे पास है। अगर हमारे एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा एक्टिविटी है तो उनका अकॉर्डिंगली एक्सएमएल फाइल यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिंपली एक रिलेटिव लेआउट का यूज़ किया गया है, और जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वो डिस्प्ले में हमें दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो रिलेटिव लेआउट है उसका विड्थ हाइट किस तरीके से वो सेट होगा स्क्रीन पे वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और एक टेक्स्ट व्यू जो है वहाँ पे होगा क्योंकि हमें मैसेज डिस्प्ले करना है वेलकम टू लर्न वन, तो हमने वो टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट यहाँ पे सेट करके रखा है। उसका हमने कलर टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड रखा है तो उसका कलर कोड दिया है, और उसका पर्टिकुलर साइज़ हमने डिवाइस पिक्सल के अकॉर्डिंगली सेट किया है 25 dpi हाइट एंड विथ स्पेसिफाई किया। तो यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वी कैन सी इन दिस रेंडरिंग पर्टिकुलर विंडो किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन दिखेगा एग्जीक्यूट होने पर, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेआउट का जो पर्टिकुलर है। यानी यहाँ पे जितनी एक्टिविटी है उतनी अलग अलग एक्टिविटी की XML फाइल यहाँ पे होगी, और उसमें जो भी टेक्स्ट व्यूज है बटन्स है वो किस तरीके से दिखेंगे, कौन सी थीम अप्लाई वगैरह करना है, उस सब का इफ़ेक्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं XML के अंदर। इसके बाद जो है हमारे पास है वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पर अलग अलग अगर कलर स्कीम्स कोई मुझे स्पेसिफाई करनी है, डायमेंशन यहाँ पे दिया है, स्टाइल है, स्ट्रिंग्स है। अभी स्ट्रिंग डॉट एग्जाम्पल बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है वो यहाँ से पास हो रहा है। एप्लीकेशन का जो नाम है हमने यहाँ पे अभी जो भी दिया है यहाँ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो भी स्टाइल जो भी थीम जो भी कलर हमें हमारे पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारा डिफ़ॉल्ट थीम जो है एप कॉम्पैक्ट डॉट लाइट डार्क एक्शन बार जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ से थीम्स को बदल भी सकते हैं, हमारी खुद की थीम्स भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो डिफ़ॉल्ट जनरेटेड कोड है सो वो किस फाइल में किस तरीके से जनरेट होता है और उसका क्या यूज़ होता है ये हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे देखा।